हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनार की तितली। हम बात कर रहे थे फसल एवं भंडारण से संबंधित प्रमुख कीटों की, और आज का हमारा टॉपिक है अनार की तितली। पोमग्रेनेट बटरफ्लाई ओके। सबसे पहले हम बात करें जनरल इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। देखिए क्या वैज्ञानिक नाम है, तो ड्यूडोरिक्स ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। अगले हम बात करें गण की, कौन से गण से संबंधित है, ऑर्डर। देखिए लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा वंश की बात करें, कुल की बात करें, तो लाइकेनिडी। लाइकेनिडी ओके। देखिए हम बात करें फसल एवं भंडारण से संबंधित प्रमुख कीटों की, और हम आज पढ़ रहे हैं अनार की तितली, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई। सबसे पहले हम बात करें वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम में ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस, गण लेपिडोप्टेरा, और इसका कुल है लाइकेनिडी ओके। नेक्स्ट हम बात करें इसके आवास की, आवास या प्राप्ति स्थल ओके। तो देखिए यह व्यापक रूप में भारत तथा आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब में पाया जाता है। क्या मतलब रहा, तो यह कीट व्यापक रूप से भारत एवं इसके आसपास सभी देशों में पाया जाता है। ओके, ये थे कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करें इसके लक्षण। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षण, क्या लक्षण प्रदर्शित करता है इस कीट का। जो प्रौढ़ है, प्रौढ़ तितली नर और मादा लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, नर तितली अलग और मादा तितली अलग। तो जो नर तितली है उसका रंग तो होता है चमकीला नीला, और जो मादा है देखिए नर तितली का रंग चमकीला नीला, मादा तितली का रंग है भूरा, हल्का भूरा या स्लेटी रंग की होती है ओके। और क्या खास बात है, तो देखिए इस तितली की लट है, उस लट की लंबाई करीब 17 से 20 मिलीमीटर। और क्या खास बात होती है इस लट की, कि इस लट के सारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और यदि इसके एक रंग की बात करें तो गहरा भूरा रंग, लट का जो रंग होगा वो कैसा होगा, तो गहरा भूरा रंग होगा। देखिए लक्षणों में हम बात करें सबसे पहले
कि इस कीट के नर तितली, इस कीट के प्रौढ़ नर तितली का रंग चमकीला चमकीला नीला होता है तथा मादा तितली भूरे रंग की होती है। ओके, नर का रंग चमकीला नीला और मादा तितली का रंग भूरा होता है। नेक्स्ट, और क्या खास बात है? तो देखिए, इस कीट के पंखों का विस्तार करीब 40 से 50 मिलीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें लटकी, तो इस कीट की लट गहरे भूरे रंग की होती है, यदि रंग की बात की जाए तो गहरा भूरा। नेक्स्ट बात करें लंबाई की, कितने लंबाई की होगी? तो इस कीट की पूर्ण वयस्क लट करीब 17 से 20 मिलीमीटर लंबाई की होती है। ओके, लंबाई की बात कीजिए 17 से 20 मिलीमीटर, और क्या खास बात? तो देखिए, इस कीट की लट के संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल या रोम पाए जाते हैं एवं शरीर पर सफेद रंग के धब्बे स्पॉट सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ओके, देखिए, हम बात कर रहे हैं अनार की तितली के लक्षण। सबसे पहले हमने बात की कि प्रौढ़ नर तितली का रंग चमकीला नीला और प्रौढ़ मादा तितली का रंग कैसा होगा? भूरा। और पंखों का विस्तार करीब 40 से 50 मिलीमीटर और इस कीट की का रंग है वो गहरा भूरा। लंबाई की बात करें पूर्ण विकसित लट की, तो करीब 17 से 20 मिलीमीटर लंबी और संपूर्ण शरीर पर क्या पाए जाते हैं? रोम या बाल पाए जाते हैं। और क्या खास बात है? कि शरीर पर सफ़ेद रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें हम देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषक पौधे।
पोषक पौधे, कौन कौन से पोषक पौधे हैं? तो पोषक पौधों में देखिए सेब, बेर, अमरूद तथा नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय पौधे। ओके, पोषक पौधे की बात करें तो सेब, बेर, अमरूद तथा नींबू वर्गीय पौधे। नेक्स्ट हम बात करें क्षति और महत्व, क्षति एवं महत्व। देखिए क्षति और महत्व में हम बात करें तो इस कीट की जो लट है वो हानिकारक अवस्था है, सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी तो इस कीट की लट। ओके, कैसे क्षति पहुंचाएगी? तो देखिए ये लट है वो इन पोषक पौधों के फलों में फल भित्ति को छेदकर अंदर प्रवेश कर जाएगी और नीचे गूदे तथा बीजों को खाकर क्या कर देगी, नष्ट कर देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पोषक पौधे के फल हैं इस कीट से ग्रसित तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि इस कीट से ग्रसित जो फल हैं उनके अंदर जीवाणु और वायरसों का भी क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, और उसके कारण क्या होगा कि फल में सड़न उत्पन्न हो जाती है तथा उनसे दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाती है, और अंत में फल क्या हो जाएगा, मात्र पादप से अलग हो जाएगा, तार गिर जाएगा। तो देखिए क्षति और महत्व में हम बात करें तो यह कीट एक सर्वभक्षी, यह कीट एक सर्वभक्षी प्रकृति का होता है, सर्वभक्षी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट और क्या खास बात है? तो इस कीट की लट अपरिपक्व फलों या विकसित होते हुए फलों, विकसित होते फलों की फल भित्ति को भेद कर फल में प्रवेश कर जाती है, फल में प्रवेश कर जाती है एवं फल के छिलके के ठीक नीचे फल के गूदे एवं बीजों को क्षति पहुंचाती है। ओके, और क्या खास बात? तो देखिए इस कीट से ग्रसित फलों में जीवाणु तथा विषाणु, बैक्टीरिया एंड वायरस, विषाणु दोनों का प्रकोप हो जाता है, जिससे फल में सड़न उत्पन्न होती है एवं दुर्गंध आने लगती है।
ओके, सती और महत्व की बात करें तो किस प्रकृति का होता था? सर्वभक्षी प्रकृति का। और लट है, अपरिपक्व फल या विकसित होते फलों की फल भित्ति को छेदकर फल में प्रवेश कर जाएगी एवं छिलके के नीचे गुदे और बीजों को खाकर क्या कर देगी? नष्ट कर देती है। और क्या विशेषता? कि इस कीट से ग्रसित फल में बैक्टीरिया और वायरस का भी आक्रमण हो जाता है जिससे फल में सड़न उत्पन्न होती है एवं दुर्गंध आने लग जाती है। और अंत में क्या होगा? फल मात्र पादप से अलग हो जाता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करें, इस कीट से ग्रसित फल अंत में मात्र पादप से अलग होकर गिर जाता है। ओके, और क्या विशेष बात? कि यदि इस कीट का प्रकोप अधिक हो तो फलों में करीब 40-90% की हानि हो सकती है। तो देखिए, यदि इस कीट का प्रकोप अधिक हो तो फलों में 40-90% तक हानि होती है। ओके, अधिक प्रकोप होगा तो फलों में करीब 40-90% हानि हो सकती है। नेक्स्ट बात करें इसके जीवन चक्र की। देखिए, जीवन चक्र में पूर्ण प्रकार का कायांतरण तो चार अवस्थाएं। कौन कौन सी चार अवस्थाएं? तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। देखिए, पूर्ण प्रकार का कायांतरण होगा तो जीवन चक्र में कुल चार अवस्थाएं। कौन कौन सी चार अवस्थाएं? तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अंडा। देखिए, अनुकूल प्रजनन काल के पश्चात जो मादा तितली होगी वो फूलों के बाह्य दलपुंज कैलेक्स पर और कच्चे फलों पर अंडे देने का कार्य करी। क्या मतलब रहा? कि अनुकूल प्रजनन काल के बाद में मादा तितली पुष्प के बाह्य दलपुंज या कैलेक्स पर और कच्चे फलों पर अंडे देने का कार्य करेगी। और इसके जो अंडे हैं वो चमकीले सफ़ेद रंग के और अंडाकार आकृति के होते हैं। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं जीवन चक्र की। और जीवन चक्र में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अंडा। जीवन चक्र लाइफ साइकिल अंडा। देखिए, अनुकूल प्रजनन काल के पश्चात इस कीट की मादा तितली पोषक पौधों के पुष्पों के बाह्य दलपुंज कैलिक्स एवं कच्चे फलों पर अंडे देने का कार्य करती हैं।
अंडे देने का कार्य करती हैं। ओके, किस रंग के होंगे अंडे? तो देखिए, इस कीट के अंडे चमकीले सफ़ेद रंग के, चमकीले सफ़ेद रंग के, चमकीले सफ़ेद रंग के एवं अंडाकार आकृति के होते हैं। अंडाकार आकृति के होते हैं। ओके, अंडों का रंग चमकीला सफ़ेद और आकृति कैसी होगी? तो अंडाकार आकृति होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्वा या लट। देखिए नंबर दो, लार्वा क्या होगा कि इन अंडों से 7 से 10 दिन के पश्चात, 7 से करीब 10 दिन बाद में अंडों से क्या निकलना प्रारंभ हो जाएंगे? लार्वा निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। और ये लार्वा फलों के फल भित्ति को भेदकर फल के अंदर प्रवेश करेंगे और गुदे और बीजों का खाना प्रारंभ कर देंगे। और ऐसा करीब 18 से 47 दिन तक चलता रहता है। क्या मतलब रहा कि ये लार्वा है करीब 18 से 47 दिन तक फलों के अंदर गुदे को और बीजों को खाते रहते हैं। तो देखिए, अंडे देने के करीब 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन पश्चात इन अंडों से लार्वा निकलने लगते हैं। ओके, ये लार्वा कच्चे फलों पर आक्रमण कर, कच्चे फलों पर आक्रमण कर उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं एवं गूदे को खाना, प्रारंभ कर देते हैं। ओके, कितने दिनों तक खाते रहते हैं? तो देखिए, करीब 18 से 47 दिन तक लट अवस्था चलती है। लट अवस्था या लट काल, लट काल चलता है तथा इस दौरान ये फलों के गुदे एवं बीजों को खाते रहते हैं, ओके, देखिए, अंडा देने के करीब 7 से 10 दिन के पश्चात लार्वा निकलेंगे और ये लार्वा कच्चे फलों पर आक्रमण कर उनके गुदे को खाना प्रारंभ कर देंगे और करीब 18 से 47 दिन तक ये फलों के अंदर प्रवेश कर उनके गुदे और बीजों को खाते रहते हैं। नेक्स्ट,
यदि एक फल की बात करें तो एक फल में इनकी संख्या करीब 8 या 8 से अधिक हो सकती है। तो देखिए फलों में या एक फल में लटों की संख्या 8 से अधिक भी हो सकती है, 8 से अधिक भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करें प्यूपा, कोश या प्यूपा। देखिए क्या होगा कि 18 से 47 दिन तक लट अवस्था चलेगी और उसके पश्चात फलों के अंदर ही या फलों के डंडल पर आकर ये लार्वा या लट किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी, कोश में परिवर्तित होना शुरू कर देगी। एक बार फिर से देखिए कि लार्वा अवस्था या लट अवस्था 18 से 47 दिन तक चलती है और इस 18 से 47 दिन के पश्चात फल के अंदर या फल के डंठल पर ही ये लार्वा कोश में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं और ये जो कोश अवस्था है ये करीब 7 से 34 दिन तक चलती है। कोश अवस्था की यदि बात की जाए तो करीब 7 से 34 दिन तक चलती है। तो देखिए नेक्स्ट बात करें हम लार्वा अवस्था पूर्ण होने पर ये लटें फल के भीतर या कभी कभी फल के डंठल पर लटक कर कोश में परिवर्तित हो जाती हैं। और क्या खास बात, तो देखिए कोश अवस्था करीब 7 से 34 दिन की होती है। ओके, और 7 से 34 दिन के पश्चात ही किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें प्रौढ़ वयस्क या अडल्ट। तो देखिए क्या होगा, कोश अवस्था 7 से 34 दिन और 7 से 34 दिन के पश्चात ही कोश किस में बदल जाएंगे, प्रौढ़ में विकसित हो जाएंगे। तो देखिए कोश अवस्था पूर्ण होने पर ये प्रौढ़ या वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, फिर से अंडकोश प्रजनन काल आएगा, फिर से मैथुन क्रिया करेगी और माता फिर से अंडों देने का कार्यक्रम स्टार्ट कर देगी। ओके, और इस प्रकार इसका जीवन चक्र रिपीट होता रहता है। तो कुछ इस तरह का अनार का जीवन चक्र। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कीट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट।